Abi. Na pra. Na leva. Show me the flower. Assalamu alaikum and good morning, internet, from Bozyazı, somewhere in Turkey on the coastal line. समझ यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा सारा ये इसकी एंट्रेंस से भी नीचे की बंद थी तो मैं वहाँ पे भी नहीं जा सका, तो इसलिए मैं आपको अपने इस स्मॉल गेस्ट हाउस जो मुझे कल रात को मिला था रोड साइड पे, तो मैं यहाँ पे रहा था, यहाँ से मैं आपको आज वेलकम कर रहा हूँ। एंड हमारा जो आज का प्लान है वो ये है कि हम यहाँ से बोजियाज़ी से हम जाएंगे अंथालिया, आवर लास्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ दिस फर्स्ट लेग ऑफ द ट्रिप इन टर्की, जो कि है तकरीबन यहाँ से कुछ 275-280 किलोमीटर्स, तो उसमें लगेंगे हमें तकरीबन कोई 4 to 5 hours। नॉट अ लॉन्ग डे बट वेरी हॉट डे, बहुत गर्मी हो गई है यहाँ पर। तो अभी हम मैं थोड़ा सा यहाँ से ज़रा अपनी प्रिपरेशन करता हूँ और उसके बाद ऑन द वे मैं आपको बताऊँगा कि हमारा जो अगला प्लान है वो क्या है, हमने वहाँ पे क्या करना है अंतालिया में, और अंतालिया में रहने के बाद हमारा अगला प्लान जो है वो क्या है, तो मैं आपको फिर रास्ते में बताऊँगा। तशक्कुर। The sea on the left side, mountain on the right side, and sun in the middle. रात को यहाँ पे उनकी कोई पार्टी वगैरह, कह रहे थे कि यहाँ पे डेली जो है ना वो क्योंकि उनका एक ही बार यहाँ पे है आई गेस इस जगह पे, तो डेली यहाँ पार्टी करते हैं वो। उनका एसी को इतना ख़ास काम नहीं कर रहा था, मैंने फिर अंदर अपना जो वेंटिलेटर लगवाया था। खैर नींद तो ठीक आई है। अरे सामने आप यहाँ पर ये चकई नखलिस्तान, ये खजूर के दरख्त हैं क्या? आई थिंक ये खजूर के दरख्त हैं। वहाँ पे कैंपिंग साइड पर आप नज़र आ रही है मुझे, तो अगर मौसम अच्छा हो यानी अगर इतनी गर्मी ना हो तो ये यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जाने का और ये सारी सीनरी इंजॉय करने का और ही मज़ा होगा। तो अभी प्लान हमारा जो है जनाब ये है कि हम अपनी इस सफ़र को जो हमने शुरू किया था पाकिस्तान से, जिसमें 2 या 3 बार इसमें ट्विस्ट आया है, फ़िलहाल अभी उसका जो है ये प्लान बनाया है कि हम चलेंगे जनाब अंतालिया, वहाँ पे जाके हम इसकी ज़रा सही तरीके से सर्विस करवाएंगे बनेरी के डीलर से, अगर वहाँ पे कोई कॉम्पिटेंट है तो। और फिर उसके बाद जो है हम इस मोटरसाइकिल को वहीं पे पार्क करेंगे अंतालिया में, और हम जनाब चलेंगे यहाँ से टूवर्ड बांग्लादेश, जो कि मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि बांग्लादेश में पहले कभी नहीं गया। और उसके बाद जो है फिर हम इंशाल्लाह वहाँ से कोशिश करेंगे कि हम कुछ और वहाँ पे एक्सप्लोर करें, और लेकिन आज का जो हमारा ट्रिप है उसकी एंडिंग जो है वो हमारी इस ट्रिप की एंडिंग हो रही है आज, और एवरी एंडिंग इज़ अ न्यू बिगिनिंग। हम जैसे जैसे ऊपर आते जा रहे हैं रोड तो काफ़ी खूबसूरत होती जा रही है, मनाजिर हमारे बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, बादल भी हमारे करीब आते जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई इतना फ़र्क मौसम पे नहीं पड़ रहा, हब्स जो है वो वैसी ही है। थोड़ा व्यू चेक करें यार, सामने पूरा जो है समुंदर, और उसका जो होराइज़न है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, वो बादलों में और जो है ना उस समंदर दोनों आपस में ऐसे मिल रहे हैं दूर जा के कि वो लग रहा है सिर्फ और सिर्फ समंदर है बस बहुत दूर तक। वाह ब्यूटीफुल, बीच कितना खूबसूरत है, कोशिश करते हैं वहाँ इस बीच पे जाने की। अगर आप यहाँ पे देखें साइड में पे ये लगा हुआ ड्रैगन फ्रूट, इसको मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया था अदाना में, तो ये कैक्टस का दरख्त जो है उसके ऊपर लगते हैं आई थिंक, ये वो सामने यहाँ पे लगा, यहाँ पे आप कुछ ही तरीके से नज़र आएंगे। अच्छा ये कैक्टस का पौधा है और उसके ऊपर ये लगते हैं ड्रैगन फ्रूट्स, अजीब से इसका टेस्ट था।
दिस इज, लेकिन उसके ऊपर लगे हुए कैसे हैं, क्या कुदरत है यार अल्लाह मियां की। अब ये वाले पौधे आप देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पे। अब उस बीच पे जाने का रास्ता कहाँ से होगा, लेट्स सी। देखिए इसके यहाँ पे कहीं रुक के आपको दिखाता हूँ बड़े करीब से कि यहाँ पे जो है इसके ऊपर ये कैसा लगा हुआ ड्रैगन फ्रूट। कोने पे उसके लगा है बिल्कुल, इतना मजबूत से उसके ऊपर चिपका हुआ है कि वो गिरता नहीं है, अगर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे तो। और उसके ऊपर भी कांटे हैं ताकि उसके बंदों के हाथ ना लगाए। ओह अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश, हाउ कैन आई गो टू द बीच हियर, द बीच। To the beach. To the beach. Yeah. For swimming. No, no, just to see. Just to see. Yeah. You can go over there. Okay. Or to the medium side. Yeah, even to Kavin will be there. The first road. When you cross the bridge here. Yeah. Yeah. After bridge, turn to the right. The first left. Yeah. Turn to the left. Yeah. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Cross the bridge and first left. लेट्स सी कहाँ पर आ रहा है जी, लेफ्ट हमारा, या वाह। और यहाँ पे आप ग्रीनरी देखें, यहाँ के ये वाले जो है दरख्त, ये ऐसे दरख्त है कि जो सिर्फ जो है आपको ट्रॉपिकल एरिया से मिलते हैं, इस तरह के दरख्त जो हैं और इस तरह के पौधे, इस तरह के फल और कहीं नज़र नहीं आए। लेट्स सी इफ वी कैन मेक इट टू द बीच। ये लग रहा है कि ये इतना टूरिस्टिक नहीं है ये, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत होगा, और मे बी नॉट। हाँ ये केले के दरख्त है, इसके ऊपर केले भी लगे हुए हैं, यहाँ पर लोगों ने अपने घरों में लगाए हुए हैं केले, ये सारे वो लगे हुए हैं केले। इसका पानी आप चेक करें कितना, यार पानी क्लियर है, क्लीन पानी है इसका। यहाँ पर रुकें कलेदरान के बीच पे यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इस टाइम कोई टूरिस्ट यहाँ पे नहीं है, सिर्फ जो है ये यहाँ का लोकल बंदा है, तो उसने यहाँ पे ऑर्डर किया इस बंदे को फ़िश, कि वो जो है ना वो गया था सुबह फ़िशिंग करने के लिए, तो वो स्पेशल जो है फ़िश, एक फ्रेश फ़िश फ्राम द सी वो यहाँ पर लेके आया, और अभी अब जाके इसे फ़िश लेगा। So not obviously not many tourists. Yep. And also it's nice to swim here. Yeah. You can get it fresh. Fruit, fresh fish. Everything is fresh. Yep. And the climate is a little bit tropical in here. Yeah. You can basically get the tropical fruits. Yeah. Dragon is one of them. Mangoes, avocados, bananas. तो यार ये life है जी यहाँ पे, कि इतनी fresh है यहाँ से, ये भी fish लेके आ रहा है। You can take some. Yeah. You can take some. Show me the fish. Wow. ये देखें जी, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिश? कुजू। कुजू? Wow. यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे टूरिस्ट नहीं है, सिवाय वहाँ पे मतलब वो भी जो है लोकल लोग होंगे, पर नहीं, पूरा बीच जो है पूरा ऐसा खाली पड़ा हुआ है। लेकिन और वो इसी बात को जो है ना वो कह रहा है कि आज से 10 साल के बाद शायद यहाँ पर भी जो है टूरिस्ट होंगे बहुत ज़्यादा। यहाँ पर किस बात की चेकिंग हो रही है भाई, हम इस शहर में एंटर हो रहे हैं, इसका नाम है गाजी पाशा, लेकिन इस शहर में एंट्री से पहले इतनी सख्त चेकिंग क्यों हो रही है? Can I go? Yeah. Okay, thank you.
Okay. हमें उसने चेक नहीं किया, मैं खेल सिर्फ गाड़ियों को चेकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर रुका हूँ कुछ खाने के लिए इस रोड साइड के फ्रेम है, और खाने में हमने मंगवाया है जनाब ये मिनिमिन टॉफ एंड ब्रेड है, और वो कुछ ड्रिंक्स को लेके आएगी अभी शायद, और स्वीट। चलें जी आखिरी 60 किलोमीटर हम करें इस ट्रायर रोड पे, 55 किलोमीटर। अगर मेरे से ये पूछें कि इस जो ये कंट्रीज मैंने अभी की हैं, अफगानिस्तान, ईरान, आर्मेनिया, जॉर्जिया और तुर्की, तो इसमें से सबसे जो बेस्ट रही है वो तो ज़ाहिर बात है कि ईरान जो है वो अफ़गानिस्तान से नंबर ले गया है, टॉप पे आ गया है, इसलिए कि ईरान के लोग जो है थोड़े से ज़्यादा फ्रेंडली मुझे नज़र आए हैं एज़ कम्पेयर टू अफ़गानी बहुत फ्रेंडली हैं वो भी, लेकिन जो मुझे ईरान में वहाँ पे कि जगह जगह पे रोक के मुझे वहाँ पे जो है वो कुछ मेरे से बातें करना चाह रहे हैं, चाहे वो ज़बान आती है नहीं आती, जाते जाते भी जो है रोड के ऊपर हॉर्न दे के मुझे सलाम करते जा रहे हैं, और उसके बाद जो है रोक के मुझे कुछ दे रहे हैं खाने पीने के लिए, अपने घरों में इनवाइट कर रहे हैं वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, एज अ फैमिली मेम्बर उन्होंने मुझे वहाँ पे ट्रीट किया है। तो दिस इज़ द थिंग दैट आई विल मिस अ लॉट। लेकिन अभी हमारे सामने और सफ़र शुरू होने वाला बांग्लादेश, उसकी मुझे खुशी है कि बांग्लादेश जो है एक ऐसा जो है कंट्री कि जिसको एक्सप्लोर करने का मेरा बहुत अरसे से मेरा उसका शौक था और ख्वाब था, तो इंशाल्लाह हम उसको जाकर देखेंगे। वहाँ के लोग हमारे अपने ही हैं, हमारे अपने ही, क्योंकि पहले तो एक ही पार्ट था। वैसे अगर मेरी ओपिनियन जो है वो देखी जाए तो इंडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान ये अलग होने ही नहीं चाहिए थे, ये सेम रहने चाहिए थे। अगर ये सेम होते तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम यूटिलाइज़ करके आज वर्ल्ड में सुपर पावर होते हैं। जो हमारे डिफरेंसेस थे वो डिफरेंसेस जो है बंदा उनको किसी और तरीके से भी उनको जो है दूर कर सकता है, और वो किए जा सकते थे, पॉसिबल थे, लेकिन बस अब हिस्ट्री में जो हो गया वो हिस्ट्री थी। हम अंतालिया पहुंच गए हैं, और शहर में पहुंचते ही ऑफ कोर्स ट्रैफिक का तो जोर होता है फिर, और अंतालिया वैसे भी जो एक बड़ा शहर है, लेकिन मुझे ये खूबसूरत लग रहा है। जी अगर हम यहाँ पे आ गए हैं अंतालिया में, यहाँ तक हमने अपना सारा टूर कर लिया है, तो क्यों ना हम एक थोड़ा सा एडवेंचर और भी कर लें, और यहाँ पे हम ज़रा आज एक रेस्टिंग करते हैं। आई डोंट थिंक कि ये इतनी डेंजरस होगी कि जो मैंने की थी पहले अफ्रीका में, लेकिन फिर भी इट्स गोइंग टू बी फन।
थोड़ी सी लॉजिस्टिक्स जो है, लॉजिस्टिक्स के बारे में देखने के लिए पहले मैं भी जा रहा हूँ बेनेली, बेनेली के डीलर के पास यहाँ पे, और उसके बाद जो है कुछ अगली प्रिपरेशन जो है, अगली लॉजिस्टिक्स उसके बारे में ज़रा कुछ तैयारी करनी है। ये सूप जो कि ट्रेडिशनल सूप है, ये लैम सूप है, और इसमें अंदर आपको जो है ना लैम की बोटियाँ नज़र आ रही हैं, और साथ में जो हड्डियों की मिक होती है वो इसमें नज़र आ रही है, और उसके ऊपर से जो इसने गरम गरम तेल इसमें आके डाला है, तो इट लुक्स लाइक सी लेट मी ट्राई दिस, दिस विल बी नाउ वेरी हॉट, लेट मी ट्राई दिस। वाह, ओह दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि एक किस्म को यह है ना शेक की तरह है, शेक हॉट हॉट सॉल्टी शेक। नेम ऑफ द सूप, नेम, व्हाट इज द नेम? Lamb soup. Yeah, lamb soup is in English, but in Turkish? Kelapacha. Ah, kelapacha. Okay, this is kelapacha. Kelapacha. तो ये है जी kelapacha. Kelapacha इसे किस तरह हमने वहाँ पे खाया था ईरान में, तो ये जो है ना उसके पाए जो होते हैं पाए, ये पाए और सीरी पाए से आप कह लें। पास और भी खाने में आया है मेन कोर्स में, वो हमारे पास है जी ये aubergine या बैंगन, इसके अंदर मेरे ख्याल मीट है, साथ में हमारे पास जो मैश पोटैटोज़ हैं और काटे हैं, तो इसमें जो है जनाब हमें अंदर से सब कुछ मिलता है, इसमें जो है ये इसमें मटर हैं, इसमें गाजरें हैं, इसमें जो है इसमें गोश्त है, इसमें ये गार्लिक है, और इसमें टोमेटोज़ हैं, इसमें अनियन हैं, सो इट लुक्स रियली गुड, लेट मी ट्राई। दिस इज़ वेरी गुड। जी हमारा जो सफ़र जो हमने शुरू किया था 16 मई को पाकिस्तान से, जहाँ से हम अफगानिस्तान, ईरान, उसके बाद आर्मेनिया, जॉर्जिया और उसके बाद तुर्की में हम एंटर हुए थे, तो तकरीबन हमने कुछ 20,000 किलोमीटर से ऊपर का सफ़र किया है, और जो कि आज 9 अगस्त 2023 को यहाँ पे अंतालिया के इस बीच पे यहाँ पे एंड हो रहा है। तो इससे अच्छी जगह और क्या होगी अपने इस टूर को एंड करने का, तो मैं अपने इस टूर को अपने फर्स्ट टूर को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि ये पूरी सीरीज़ आपको पसंद आई होगी, और आज से हमारा सफ़र शुरू होगा नया, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स बांग्लादेश, जो कि आई डोंट नो पहले किसी पाकिस्तान ने कवर किया बांग्लादेश के नहीं, लेकिन अब मैं वहाँ पर जा रहा हूँ इंशाल्लाह, तो उसके बाद फिर मैं आपको वहाँ पर लेकर चलूँगा अपने साथ। तो अगर इस सीरीज अगर आपको पसंद आई थी अब तक की, तो प्लीज़ आप इसकी सारी वीडियोस को उनको चेक करें, उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट फ्रॉम बांग्लादेश। अंटिल देन अस्सलाम वालेकुम।